हर रोज बलात्कार के मामले आ रहे हैं, कार्रवाई क्या हो रही है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हर रोज एक बर्बरता का नया मामला सामने आता है। लोग देखते हैं कि इसमें ये बर्बरता हुई, इतना जघन्य अपराध हुआ, लेकिन उसके बावजूद क्या कार्रवाई होती है ये देखने लायक है। क्योंकि अगर कार्रवाई होती और सज़ा मिलता तो कहीं ना कहीं ये अपराध कम होते, लेकिन इनके बढ़ने के कई कारण हैं, कारणों पे जाएंगे। लेकिन पहले आपको खबर बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुमित शुक्ला और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर्स। मामला है महाराष्ट्र के औरंगाबाद का, जहाँ एक 17 साल की लड़की का 5 लोगों ने बलात्कार किया, जिसमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। लेकिन बात करते हैं कि ऐसे अपराधों की वृद्धि में हाथ किसका है, सरकार का, कानून का, या फिर एक सोच का? कहीं ना कहीं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी जिम्मेदार है। लोग उस मानसिकता के साथ जो लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर बलात्कार के मामले पुलिस में दर्ज कराएंगे तो बेइज्जती होगी, इसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं। वो कानून जिसके अच्छे कार्रवाई ना होने के कारण जो ऐसे मामले बढ़ते हैं, लोगों के हौसले बढ़ते हैं, वो चीज़ें, या फिर बात करें रिमिशन पॉलिसी जो अभी हमने देखने को मिली, जहाँ पे एक बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। ऐसे ऐसे कानून, ऐसी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं लोगों के हौसले बुलंद करती हैं। तो बातें कई सारी हैं, कई सारे कारण हैं ऐसे बलात्कारों में वृद्धि की, लेकिन देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जो हो रहा है हमारे देश में वो उचित है। 90 से 100 बलात्कार हर दिन हमारे देश में हो रहे हैं, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए और सवाल खड़े करने चाहिए सरकार से कि आखिर में ऐसे पॉलिसीज़ क्यों लाई जा रही हैं जिनसे ऐसे केसेस में वृद्धि हो। 17 साल की बच्ची का बलात्कार 5 लोग करते हैं, खबर किसी न्यूज़ में नहीं आती, ना किसी बड़े चैनल पे इसके लिए डिबेट होती है। ये खबर भी एक छोटे से पन्नों में आती है और छोटे से पन्नों के साथ ही अगले दिन ही वो छोटे पन्ने किसी बिस्किट में, किसी के रस्क के पैकेट में सुबह सुबह एक राशन की दुकान से उठ जाते होंगे, ऐसी खबर मात्र हो गई है ये न्यूज़। लेकिन एक 17 साल की बच्ची जिसके साथ ये बर्बरता होती है, आखिर में उनके परिवार पे क्या बीतती है, ये कभी सोचने की भी कोशिश नहीं करती सरकार। अगर सोचने की कोशिश करती तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा नहीं किया जाता, उनको उम्र कैद की सज़ा से छुटकारा नहीं मिलता। एक 17 साल की बच्ची का अगर बलात्कार 5 लोग मिलकर करते हैं, बार बार करते हैं, तो उस लड़की पर क्या बीती होगी, और ये खबर जानने के बाद उसके घर वालों पर क्या बीती होगी, ज़रा खुद महसूस करने की कोशिश करें। मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए आप पर एक काम सौंपते हैं हम कि अगर आपको ये मुद्दा ज़रूरी लगे तो इसके लिए अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके सोशल मीडिया में इतना दम है कि अगर वो किसी गुनहगार को पकड़ सके तो आपके सोशल मीडिया में ये भी दम है कि उस गुनहगार को सज़ा भी दिला सके। तो उसी एक जो दम है आपके सोशल मीडिया के, उसी दम की बात कर रहे हैं, और उसी दम को देखते हुए, उसी दम की उपेक्षा करते हुए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अपने सोशल मीडिया का दम ज़रूर दिखाइएगा। मेरा काम हुआ समाप्त, आपका होता है शुरू। मिलते हैं आप लोग नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।